हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। तो भैया, बीएड नहीं कराना है तो मत कराओ, लेकिन इस तरीके से बच्चों को परेशान मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीएड करने वाला बच्चा केवल मेरठ का रहने वाला है। इवन बहुत से बच्चे बिहार के हैं जो कि सीसीएस से भर लेते हैं, ठीक है। तो भैया, ऐसा करो कि पेपर अगर आप बना नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये डेट शीट जो निकालना है ये बच्चों का खेल है, समझे आप। ये 12वीं क्लास का कोई बच्चा है ना, समझदार है, तो वो भी डेट शीट निकाल के आपको दे देगा। आपने डेट शीट 5 बार चेंज किया है, 5 बार चेंज किया, 5 बार अपडेट देने वाला मैं हूँ, 5 बार चेंज किया हो, और आपने दोबारा डेट शीट चेंज किया है, दोबारा विदाउट एनी रीजन। हर बार तो ये बहाना होता है कि बच्चे कह रहे हैं कि ये है, बच्चे कह रहे हैं तो वो ये है। इस बार तो बच्चे नहीं कह रहे हैं, और पिछले भी 2-3 बारों में बच्चे नहीं कह रहे। देखो, कल इन लोगों ने कल निकाला 30 तारीख को, और एक दिन में पलट जाते हैं भैया। इतना बुरा तो कोई इंसान भी नहीं पलटता जितना यूनिवर्सिटी पलट रही है। और बनाने वाले भैया क्या भांग वांग खा के बैठे हो क्या, डेट शीट बनाने वाले? मतलब इन पे किसी की एक्चुअली ये जानते हैं ना कि इन पे कोई कार्रवाई तो होने वाली ही नहीं है, तो मजाक बना रखा है इन्होंने एजुकेशन को। 30 तारीख को ये लोग बड़े दावा करते हैं कि छपी पेपर्स में जो खबरें छप रही हैं कैंसिल होने का भ्रमण की स्थिति है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 3 तारीख को पेपर हम लोग करा लेंगे। बड़े बड़े वादा, बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने वादे किए हैं कि एग्जामिनेशंस यथावत, कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, परीक्षाएं अपने कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न कराई जाएंगी। क्या बकवास है भैया, क्या बकवास है, कोई इनसे पूछने वाला है नहीं, इन पर कोई कार्रवाई होने वाला है नहीं, ठीक है। और आज 1 तारीख को ही पलट गए, 1 तारीख को पलट गए, और ये बता रहे हैं कि 3 तारीख की जो परीक्षाएं हैं बीएड की, स्पेशल बीएड और बीएड की, वो सभी समस्त परीक्षाएं किन्हीं कारण से, भैया कौन सा कारण है, कौन सा कारण है बताओगे, किन्हीं कारणों से, बताओ क्या, अपहरणीय कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। हिंदी ये लोग मस्त लिखते हैं, बाकी इनके बस के कुछ है नहीं। और इन्होंने एक चीज़, एक और मजाक भाई, देखो बीएड और स्पेशल बीएड की नवीन तिथि यथा शीघ्र घोषित की जाएगी। अब पता भी नहीं है कि 3 के बाद जो पेपर 7 तारीख को है, अब 7 से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, या नया डेट शीट देंगे, इनको अभी तक पता नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है, कर लो मनमानी, बकवास यूनिवर्सिटी। तो भैया देखो, एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो चुका है, बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के सभी बच्चे अच्छे सुन लें, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। धन्यवाद।